हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोगों ने रडार सिस्टम के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन और उसके बेसिक एलिमेंट और एप्लीकेशंस के बारे में जाना था। तो रडार सिस्टम क्या था? तो रडार सिस्टम हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन डिवाइस था, कम्युनिकेशन सिस्टम था, जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर रहे थे, तो दुश्मन के एयरक्राफ्ट बैग एयरक्राफ्ट और अन्य तरह के मिसाइल्स वगैरह ये सब को डिटेक्ट कर पा रहे थे। और इसके साथ साथ नेविगेशन में, फिर आपका एयर ट्रैफिक में, और इसके साथ साथ आपका रिमोट सेंसिंग में हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे थे। तो क्या हो रहा था रडार सिस्टम में? रडार सिस्टम में एक ट्रांसमीटर होता था और एक रिसीवर होता था। ट्रांसमीटर के हेल्प से हम कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को क्या करते थे, तो ट्रांसमिट करते थे, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल टारगेट से जा करके रिफ्लेक्ट होता था, और रिफ्लेक्ट होकर के वापस रिसीवर के द्वारा रिसीव किया जाता था, जिसको हम लोग इको सिग्नल कह रहे थे। और इसके बाद वो क्या होता था कि उसके बीच के रेंज को मेजर करता था, उसके वेलोसिटी को मेजर करता था, और वो किस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है इसका पता लगाता था रडार। तो चलिए आइए, ये किस तरह से उसके वेलोसिटी को मेजर कर ले रहा था, किस तरह से इसको डिटेक्ट कर ले रहा था, तो इसमें कौन सा इफेक्ट यूज हो रहा था? तो हमारा डॉपलर इफेक्ट यूज हो रहा था। तो चलिए आइए हम लोग डिटेल में जाने कि डॉपलर इफेक्ट क्या होता है और कैसे होता है, कैसे वर्क करता है एक रडार सिस्टम में किसी टारगेट को डिटेक्ट करने में, उसका रेंज निकालने में और उसका वेलोसिटी निकालने में। तो इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है दोस्तों, हम लोग जब कहीं जाने के लिए, मान लिया जाए हम लोग कॉलेज जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर गए, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो किसी प्लेटफॉर्म पे हम खड़े होते हैं। जब हम वहां पे प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं तो क्या होता है कि अगर कोई ट्रेन हमारी ओर आ रही होती है, हमारे प्लेटफॉर्म की ओर आ रही होती है, तो वो जैसे बहुत दूर रहती है, तो वो जैसे 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 हमारे नजदीक आती है, तो उस ट्रेन का जो साउंड होता है, ट्रेन का जो आवाज होता है, साउंड होता है, उसके फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, जैसे जैसे वो हमारे नजदीक आती है तो उसका फ्रीक्वेंसी धीरे 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 बढ़ता जाता है। दूर होती है तो हमें थोड़ा धीमा उसका साउंड सुनाई देता है, लेकिन जैसे जैसे वो हमारे नजदीक आती है तो उसका साउंड का फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाता है और हमें ज्यादा सुनाई देता है। फिर जैसे वो हमारे नजदीक आती है तो वो कांस्टेंट आ करके ट्रेन रुक जाती है, तो उसका साउंड का फ्रीक्वेंसी और जो हमें सुनाई देता है, वो हम भी रुके हुए रहते हैं और ट्रेन भी रुकी हुई रहती है, तो दोनों का फ्रीक्वेंसी जो होता है वो सेम टू सेम उतना ही सुनाई देता है, उसकी आवाज उतनी ही सुनाई देती है जितना वो कर रही होती है। फिर जैसे ही ट्रेन वहां से खुलती है और हमसे दूर जाती है तो उसका साउंड का फ्रीक्वेंसी धीरे 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 घटते जाता है। तो ये जो इफेक्ट है फ्रीक्वेंसी का, धीरे 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 बढ़ना, जब वो हमारे पास आती है तो फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट बढ़ते जाना, हमारे पास होती है तो फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंजिंग ना होना, और हमसे दूर जब जाती है ट्रेन तो उसके फ्रीक्वेंसी का घटना, ये जो इफेक्ट होता है, यही इफेक्ट जो है फ्रीक्वेंसी का चेंज जो हो रहा है, उसी इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, तो डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। चलिए आइए हम लोग इसको जानते हैं डॉपलर इफेक्ट को। तो ये है हमारा डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट एक डॉपलर साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, डॉपलर इफेक्ट। तो ये डॉपलर इफेक्ट क्या है, चलिए ये जानते हैं। डॉपलर इफेक्ट इंप्लाइज दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव When transmitted by a source is not necessary same as the frequency of the wave when picked up by a receiver। कह रहा है डॉपलर इफेक्ट इंप्लाई होता है, तो ये जरूरी नहीं है कि जितने फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को हम ट्रांसमिट करें तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जाएगा और टारगेट से रिफ्लेक्ट होकर के जब वो वापस रिसीवर के द्वारा रिसीव किया जाएगा तो उस सिग्नल का भी फ्रीक्वेंसी सेम टू सेम फ्रीक्वेंसी रहे, ये सेम फ्रीक्वेंसी नहीं रहता है, जो सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है उसके फ्रीक्वेंसी और इसके रिसीवर के द्वारा जो कलेक्ट किया गया जो फ्रीक्वेंसी,
जो सिग्नल उसके फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, चेंजिंग आ जाता है। तो ये कैसे चेंजिंग आता है, कितना चेंजिंग आता है, ये किस पे डिपेंड करता है? तो इट डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव मोशन बिटवीन रडार एंड टारगेट। ये जो फ्रीक्वेंसी का चेंजिंग होता है दोस्तों, वो किस पे डिपेंड करता है? तो रडार और टारगेट के वेलोसिटी पे, वो किस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं और आप एक दूसरे के करीब आ रहे हैं रडार और टारगेट, या एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। रिलेटिव मोशन पे और किस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। तो कह रहा है कि इफ द रडार एंड टारगेट आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, देन द फ्रीक्वेंसी एज पिक्ड अप बाय द रिसीवर इज हायर। कह रहा है कि अगर रडार और टारगेट दोनों एक दूसरे अपनी ओर, एक दूसरे की ओर मूवमेंट कर रहे होंगे, तो जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होगा, जो ट्रांसमिट किया जा रहा है फ्रीक्वेंसी, वो रिफ्लेक्ट होकर के जो इको फ्रीक्वेंसी आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिटिंग फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा। जैसे हम लोग ट्रेन जैसे जैसे हमारे पास आ रहे थे तो क्या हो रहा था, हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रहा था। तो सेम टू सेम वही यहाँ पे अप्लाई हो करके जब टारगेट और रडार एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे की ओर आएंगे, तो वो क्या होगा, उसका फ्रीक्वेंसी हायर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि इफ द रडार एंड टारगेट आर स्टेशनरी देन द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। कह रहा है कि रडार और टारगेट दोनों एक पॉइंट पे स्टेशनरी होंगे, मतलब स्थिर होंगे एक पॉइंट पे, तो उस समय जो हमें ट्रांसमिट करेंगे सिग्नल और जो रिसीव होगा इको सिग्नल, वो दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सेम होगा, सेम फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक उसी प्रकार से जब ट्रेन हमारे पास आकर के इस प्लेटफॉर्म पे रुक चुकी होती है और हम वहीं पे रुके हुए रहते हैं, तो क्या सेम टू सेम जो आवाज निकलता है वही आवाज हमें सुनाई देता है। तो इस तरह से यहाँ पे भी टारगेट और जो हमारा रडार होगा वो एक स्थान पे स्टेशनरी होगा, तो उस समय भी जो ट्रांसमिट किया जाएगा फ्रीक्वेंसी सेम टू सेम उसी फ्रीक्वेंसी को इसके रिसीवर पे रिसीव किया जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी में नो चेंज होगा। तो इससे हम आइडिया लगा लेंगे कि जो हमारा टारगेट है वो क्या है, एक पॉइंट पे स्थिर है, स्टेशनरी है। फिर कह रहा है कि दिस फेनोमेनन ई ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नोन एज डॉपलर इफेक्ट। ये जो फेनोमेनन है फ्रीक्वेंसी के चेंज होने का, जब वो हमारे पास आ रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जा रहा है, जब वो हमारे नजदीक मतलब कि हमारे पास आकर के रुक जाती है तो उस समय का फ्रीक्वेंसी सेम है, फिर जैसे ही हमसे दूर जाती है तो वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी घट जाता है, लो हो जाता है। तो उस इस इफेक्ट को, जो फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग होने का इफेक्ट है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट। और ये जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी है, जितना फ्रीक्वेंसी चेंज होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, तो डॉपलर शिफ्ट। जो चेंज फ्रीक्वेंसी होती है, जितनी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो डॉपलर शिफ्ट। और इसे इस फॉर्मूला के द्वारा दर्शाया जाता है, डेल एफ इक्वल टू टू वी आर वाई लेमडा, डेल एफ इक्वल टू टू वी आर वाई लेमडा। यहां पे क्या है, वी आर क्या है, तो वी आर है जो रिलेटिव रिलेटिव वेलोसिटी है, और लेमडा क्या है, तो वेवलेंथ है, सिग्नल का वेवलेंथ है। और डेल एफ क्या हमारा कहलाएगा, तो वही चेंज इन फ्रीक्वेंसी, और चेंज इन फ्रीक्वेंसी को एक और नाम से जानते हैं, डॉपलर शिफ्ट के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से ये डॉपलर इफेक्ट हमारा रडार सिस्टम में वर्क करता है। चलिए अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ रडार सिस्टम के बारे में। तो चलिए आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रडार। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रडार, पल्स रडार फर्स्ट में है, सबसे फर्स्ट में है क्या, पल्स रडार। पल्स रडार के तीन टाइप्स होते हैं, पल्स रडार तीन टाइप्स में बटा हुआ है। फर्स्ट हो गया शॉर्ट पल्स रडार, सेकेंड हो गया मूविंग टारगेट इंडिकेटर, इसी का शॉर्ट नेम है MTI, और ये हमेशा फुल फॉर्म आपको आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, MTI का फुल फॉर्म। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मूविंग टारगेट इंडिकेटर। आप लोगों ने थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग में इसका फुल फॉर्म पढ़ा होगा। फिर उसके बाद हो गया एक पल्स डॉपलर रडार। उसके बाद सेकेंड हो गया कंटिन्यूअस रडार। कंटिन्यूअस रडार को भी दो भागों में बांटा गया है, एक कंटिन्यूअस वेव रडार, इसको शॉर्ट में CW रडार कहा जाता है, और सेकेंड हो गया FM कंटिन्यूअस वेव रडार। तो इस तरह से हमारा रडार को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक पल्स रडार, पल्स डिजिटल पल्स के द्वारा जो हम लोग ट्रांसमिट करते हैं उसके आधार पे
पल्स रडार और कंटिन्यूअस रडार जो हमारा एनालॉग सिग्नल के द्वारा सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस रडार। तो आपका जो पल्स रडार है वो भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है, शॉर्ट पल्स रडार, एमटीआई इंडिकेटर। एमटीआई इंडिकेटर, एमटीआई का पूरा नाम क्या है, तो मूविंग टारगेट इंडिकेटर, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में आता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। फिर है पल्स टॉपलर रडार, उसके बाद है कंटिन्यूअस रडार में कंटिन्यूअस वेव रडार, जिसको शॉर्ट में सीडब्ल्यू रडार भी कहा जाता है, और एफएम कंटिन्यूअस वेव रडार। फिर उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द यूज्ड एंटीना में भी क्लासिफाइड एज, हम लोग क्या करते हैं कि एंटीना यूज करते हैं रडार सिस्टम में, तो कितने एंटीना यूज करते हैं इसके आधार पे भी हम लोग रडार को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक हो गया बाई स्टैटिक रडार, एक मोनो स्टैटिक रडार। तो जब रडार सिस्टम में किसी एक एंटीना की मदद से डुप्लेक्सर स्विच के हेल्प से एक ही एंटीना को लाइक एज ए ट्रांसमिटिंग एंटीना और लाइक एज ए रिसीविंग एंटीना, हम लोग देखे थे कहां, तो एलिमेंट ऑफ रडार सिस्टम में हम लोग देखे थे कि एक एंटीना था और उसको डुप्लेक्सर स्विच से कनेक्ट करके उसको ट्रांसमीटर के साथ भी कनेक्ट कर ले रहे थे और रिसीवर के साथ भी कनेक्ट कर ले रहे थे। तो इस तरह के जो रडार होते हैं जिसमें एक एंटीना के यूज किया जाता है उसको हम लोग मोनोस्टैटिक रडार कहा जाता है। और जब ट्रांसमीटर के का ट्रांसमिटिंग सिग्नल के लिए अलग एंटीना यूज किया जाए और रिसीविंग सिग्नल के लिए अलग एंटीना यूज किया जाए, तो उस तरह के रडार सिस्टम को कहते हैं बाईस्टैटिक रडार सिस्टम। तो चलिए आइए हम लोग डिटेल में इसके टाइप ऑफ रडार सिस्टम को जाने। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूज्ड एंटीना इट मे बी क्लासिफाइड एज बाई स्टैटिक रडार और मोनोस्टैटिक रडार के बारे में। चलिए आइए हम लोग देखते हैं बाई स्टैटिक रडार के बारे में। बाई स्टैटिक नाम से पकड़िए, नाम से जानिए, बाई मीन्स क्या हो गया, बाई मीन्स क्या होता है, दो कहने का मतलब एक ऐसा रडार, ये किस टाइप का मतलब क्या है, तो रडार एंटीना के आधार पे डिवाइड किया हुआ है। तो बाई स्टैटिक रडार, बाई मीन्स क्या, दो क्या, तो यहाँ पे क्या होगा, तो दो एंटीना होगा, और दो एंटीना होगा तो हम लोग जानते हैं कि एंटीना कहाँ यूज होता है, तो एक ट्रांसमिटिंग सेक्शन में और एक रिसीविंग सेक्शन में। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ऐसा रडार सिस्टम होगा जिसमें ट्रांसमीटर में एक अलग एंटीना लगा हुआ होगा और रिसीवर में एक अलग एंटीना लगा हुआ होगा। जैसे मैं देखिए ये डायग्राम, ये एक ऐसे बेसिक डायग्राम है, ये क्या हो गया, ये रडार का आपका हो गया बाई स्टैटिक रडार का ये डायग्राम है। इसमें देखिए डिस्प्ले है, ये ट्रांसमीटर है, एक रिसीवर है। इन दिनों में देखिए ट्रांसमीटर में एक अलग एंटीना लगा हुआ है जिसको हम लोग टीएक्स कह रहे हैं, टीएक्स हो गया ट्रांसमिटिंग एंटीना, और रिसीवर में एक अलग एंटीना लगा हुआ आरएक्स, आरएक्स हो गया रिसीविंग एंटीना। क्या होगा, तो रडार के द्वारा, ये ट्रांसमीटर के द्वारा जो सिग्नल जनरेट किया जाएगा वो ट्रांसमिटिंग एंटीना के हेल्प से रेडिएट किया जाएगा, ट्रांसमिट किया जाएगा। तो ये जो डॉट 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 से दिखाया गया वो क्या है, तो ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो गया और वो रडार टारगेट से क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, उसे रिफ्लेक्ट होने के बाद ये वापस आया। तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ये वाला सिग्नल को रिफ्लेक्टेड ईएम वेव इको सिग्नल, ये रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद ये अपना प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद ये बता देगा कि ये टारगेट हमारा कितना डिस्टेंस पे है, उसका रेंज बता देगा, कितने वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहा है। तो इसको इस तरह से याद रखेंगे, बाई स्टैटिक्स रडार, बाई मीन्स दो, और ये एंटीना के आधार पर डिवाइड किया गया है, तो बाई दो एंटीना होगा, और दोनों एंटीना होगा तो दो एंटीना होगा, इसका मतलब कह सकते हैं कि दो सेक्शन है, एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर, दोनों का अलग अलग एंटीना होगा। तो चलिए आइए इसको हम लोग देखते हैं कि द सिंपल रडार सिस्टम, एक सिंपल रडार सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ए ट्रांसमिटिंग एंटीना एंड रिसीविंग एंटीना कनेक्टेड टू द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर रिस्पेक्टिवली। सर एक सिंपल रडार सिस्टम है जिसमें दो सेक्शंस होते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि रडार सिस्टम में दो सेक्शंस होते हैं, एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर का, तो ट्रांसमीटर के साथ ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीवर के साथ रिसीविंग एंटीना कनेक्टेड होंगे। तो सच ए रडार सिस्टम इज कॉल्ड बाय स्टैटिक रडार, जब दोनों अलग अलग सेक्शन में अलग अलग एंटीना का यूज होगा, तो कितने एंटीना का यूज हो रहा है, तो दो एंटीना का यूज हो रहा है, इसी बेस पे इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो बाय स्टैटिक रडार कहते हैं।
तो ट्रांसमीटर रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ए पोर्शन ऑफ दिस रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इंटरसिपेटेड बाय ए टारगेट। ये क्या करेगा, ट्रांसमीटर के द्वारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट हो रहा है वो देखिए किसके जाकर के टकरा रहा है, तो टारगेट से आकर के इंटरप्रेट कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है, इसे आकर टकरा रहा है। इंटरसेप्ट करने के बाद वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होकर के फिर से रडार की ओर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि दिस टारगेट रिफ्लेक्टेड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टुवर्ड द रडार, ये रिफ्लेक्ट होकर फिर रडार की ओर आया, रडार का जो रिसीविंग एंटीना है वो इस रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या करेगा, इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इको सिग्नल के नाम से जानते हैं, जो रिफ्लेक्ट होकर सिग्नल आता है उसको हम लोग इको सिग्नल कहते हैं। ये इको सिग्नल को ये रिसीवर का रिसीविंग एंटीना क्या करेगा, उसको गेन कर लेगा, इसको रिसीव करने का काम करेगा। द रिसीवर ऑफ ए रडार एक्सेप्ट ए रिफ्लेक्टेड वेव एंड रडार सिस्टम परफॉर्म इट्स ऑपरेशन टू डिटेक्ट प्रेजेंस रेंज एट लोकेशन ऑफ टारगेट। और ये क्या करेगा, इस वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिसीविंग एंटीना के द्वारा रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद रडार अपना प्रोसेस करेगा, अपना ऑपरेशन करेगा और उसके बाद टारगेट को डिटेक्ट करेगा और उसके रेंज का पता लगाएगा। तो इस तरह से हमारा बाय स्टैटिक रडार सिस्टम वर्क करता है। अब हम लोग जाने मोनोस्टैटिक रडार के सिस्टम के बारे में। तो चलिए आइए दोस्तों देखते हैं मोनोस्टैटिक रडार के बारे में। मोनोस्टैटिक रडार, मोनो मीन्स होता है सिंगल एक, और ये मोनोस्टैटिक है तो यहाँ पे एंटीना के बेस्ट पे एंटीना यूज करते हैं, उसके बेस्ट पे हम लोग इसको बाय स्टैटिक को मोनोस्टैटिक में डिवाइड करते हैं, पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जिस तरह से हम लोग बाय स्टैटिक्स में दो एंटीना यूज कर रहे थे जिसके कारण से बाय स्टैटिक्स हो गया, यहाँ पे मोनो स्टैटिक है तो यहाँ पे सिंगल एंटीना का यूज करेंगे, और किसके द्वारा, तो डुप्लेक्सर स्विच के द्वारा। तो देखिए ये हमारा कुछ रडार सिस्टम का ये ब्लॉक डायग्राम है मोनोस्टैटिक रडार सिस्टम का। तो इसमें देखिए एक रिसीवर सेक्शन, एक ट्रांसमीटर सेक्शन और ये डिस्प्ले वाला सेक्शन है, उसके बाद ये डुप्लेक्सर। तो डुप्लेक्सर मैंने एलिमेंट ऑफ रडार सिस्टम में बताया था डुप्लेक्सर क्या होता है। तो डुप्लेक्सर लाइक है जो एक स्विच की तरह बिहेव करता है, एक ऐसा स्विच जो कि ट्रांसमिटिंग के दौरान एंटीना को ट्रांसमीटर के साथ कनेक्ट कर देता है और रिसीविंग के दौरान एंटीना को रिसीवर के साथ कनेक्ट कर देता है। तो सेम टू सेम वही प्रोसेस, इस ट्रांसमीटर के द्वारा सिग्नल को इस डुप्लेक्सर सर्किट से इस एंटीना को ट्रांसमीटर के द्वारा कनेक्ट कर दिया गया और सिग्नल को ट्रांसमिट किया गया, ये वाला सिग्नल ट्रांसमिटिंग सिग्नल। और वो क्या करेगा, तो टारगेट से जाकर के रिफ्लेक्ट करेगा और रिफ्लेक्ट करने के बाद जो वापस आएगा तो इसी एंटीना की मदद से रिसीव होगा, और इस समय जो ये डुप्लेक्सर है वो एंटीना को रिसीवर के साथ कनेक्ट कर देगा। तो रिसीवर सिग्नल रिसीव कर लेगा, उसके बाद प्रोसेसिंग का काम होगा, प्रोसेसिंग के बाद ये डिस्प्ले पे शो कर देगा कि किस तरह से ये वो किस डायरेक्शन में है, कितना मूवमेंट है, ये सारा का सारा यहाँ पे शो कर देगा। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, मोनोस्टैटिक रडार। मुझे बहुत अच्छा लगा कि पिछले वाले वीडियो में एप्लीकेशन था एक रडार का, एप्लीकेशन नेविगेशन में हम लोग इसका एप्लीकेशन कर रहे थे, रडार का एप्लीकेशन। तो किन्हीं ने क्वेश्चन किया कि सर ये नेविगेशन हमें समझ में नहीं आया, इसको थोड़ा बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए ये जानते हैं नेविगेशन के बारे में। तो नेविगेशन क्या करता है कि किसी को नेविगेट करने का काम करता है। जैसे अभी अभी केरल में एक विमान दुर्घटना हुआ, मौसम खराब होने की वजह से उसको लैंडिंग करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था और उस दौरान वो लैंडिंग नहीं कर पाया सही से और क्रैश कर गया, विमान दो भागों में टुकड़ों में बट गया। तो ये जो है बहुत ही उसको नेविगेशन में कंट्रोल करने में उसको दिक्कत हो गया, जिसके कारण से पायलट को ये पता नहीं चल पाया कि हम कहाँ पे लैंड कर रहे हैं। तो इसी नेविगेशन प्रोसेस के द्वारा क्या किया जाता है कि मौसम जब खराब रहता है तो एयरक्राफ्ट वगैरह ये सबको लैंड कराने में उसका इस्तेमाल किया जाता है, इस रडार सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो जो रडार सिस्टम है वो क्या कहलाता है, ILS। ILS मींस, इसका मींस होता है इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ये है। तो ये क्या करता है कि एरोप्लेन वगैरह ये सबको लैंड कराने में मदद करता है जब मौसम वगैरह ये सब खराब रहता है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग लैंडिंग में। तो ये क्या करता है, इसके दो बेसिक एलिमेंट होते हैं, एक होता है लोकलाइजर और एक होता है ग्लाइड स्लोप।
तो लोकलाइजर की मदद से क्या होता है कि पायलट को इसका रेंज होता है, रडार सिस्टम का रेंज होता है 10 से 15 किलोमीटर के अंदर, 5 से 6 किलोमीटर के रेंज में। ये क्या करता है, अपना सिग्नल को 50 से लेकर के 90 हर्ट्ज के सिग्नल को वो जेनरेट करते रहता है। तो वो सिग्नल जेनरेट करते रहता है और जो एरोप्लेन में जो कॉकपिट में जो पायलट है वो अपने डिस्प्ले पे, उसके कॉकपिट में एक डिस्प्ले होता है प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले, उस पे इस आईएलएस सिस्टम लोकलाइजर और ग्लाइड स्लोप के द्वारा जो सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है उसको वो कैच करता है और उसके डिस्प्ले पे वो दिखाता है। तो ये लोकलाइजर क्या काम करता है, तो लोकलाइजर उसको रनवे के सीध में लाने का काम करता है, उसके एक सीध में लाने का काम करता है। और ये जो हमारा ग्लाइडर स्लोप है वो उसके हाइट को दर्शाता है कि आप ज्यादा ऊंचाई पे तो नहीं है, थोड़ा और नीचे आइए, या फिर ज्यादा है तो और नीचे आइए, और ज्यादा नीचे है तो थोड़ा और ऊपर आ जाइए। तो ये ग्लाइडर की मदद से उसको हेल्प दिया जाता है। और उसके जो पायलट के कॉकपिट जो जिसमें वो पायलट रहता है वो उसको कॉकपिट कहते हैं, उसपे एक डिस्प्ले होता है प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले, जिसपे ये सारा का सारा ये लोकलाइजर और ग्लाइडर स्लोप के द्वारा उसको इंडिकेशन दिया जाता है कि आप कितने हाइट पे हैं, कितना होना चाहिए, ये सारा का सारा दिया जाता है। और नेविगेशन को ज्यादा आप लोग डिटेल में जानना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस पे आप लोग क्लिक करके आप नेविगेशन सिस्टम कैसे एरोप्लेन बैक रहे सबको एयरक्राफ्ट को लैंडिंग कराने में हेल्प करता है इसके बारे में आप लोग डिटेल जान पाएंगे। तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और उस लिंक पे क्लिक करें, इसके बारे में आप लोग को अच्छे से वहां पे मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन आईएलएस के द्वारा इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के किस तरह से रडार सिस्टम नेविगेशन के पर्पज से यूज किया जाता है उसका डिटेल आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करके बताएं, और किसी भी तरह का परेशानी हो तो कमेंट करें ताकि हम अगले वीडियो में आपको उसको सॉल्यूशन दे सकें।